दो पॉइंट्स हैं मेरे, जो जहां पे मैं आपसे सहमत नहीं हूं और मैं अग्री नहीं करती हूं। पहली बात यह है कि जब हम दोष खोजते हैं तो हम लड़की पर ओनस डालते हैं। नैतिक और सांस्कृतिक शिक्षा अपनी जगह पर है नवनीत जी, लेकिन इस देश की सर्वोच्च अदालत भी ये कहती है, 2013 के सुप्रीम कोर्ट रूलिंग में, इंदिरा शर्मा वर्सेस वीकेवी शर्मा में रूलिंग ये आई थी कि विमेन पार्टनर जो है लिव इन रिलेशनशिप में, वो प्रोटेक्टेड है अंडर प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस पीडब्ल्यूडीवी एक्ट 2005 में। सुप्रीम कोर्ट भी ये जानता है कि आज की ये सच्चाई है। नैतिक और सांस्कृतिक रूप से जो शिक्षा हम बच्चों को दे सकते हैं वो घरों में देते रहे, लेकिन जो सच्चाई है और जो व्यवस्था की जिम्मेदारी है उससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता, ये कहकर कि बच्चियों पर ओनस है कि वो अपने आप को बचा कर रखें। जिस तरह से लड़कों को लेकर भी एक तरह की आजादी उनको मिलती है, वैसे ही वो जिस तरह के लिव इन रिलेशनशिप्स में रहते हैं वैसे ही परिस्थिति सबके साथ है। तो मुझे लगता है कि कानून और समय सीमा, ठीक है आप अपना जवाब दीजिए, कानून और समय सीमा जो सरकार और व्यवस्था का काम है अगर वही हम सुनिश्चित कर ले तो शायद बहुत बड़ा ब्रेक लगे। नवनीत जी, मैं आपको इतना जरूर बताना चाहूंगी, हम वो रियल ग्रेट लीडरों के देश से हम बिलोंग करते हैं जहां पर ईंट का जवाब पत्थर से देना हम लोगों को सिखाया जाता है, वो हम दे सकते हैं। और लॉ जो हमें सिखाता है, लॉ के बारे में अगर आप बात करते हैं एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फीमेल, मैं जो रिप्रेजेंट करती हूँ, आप उसके बारे में आप बोलते हैं, तो ऐसे अत्याचारों को रोकने के लिए जो नियम होने चाहिए, जो लॉ बनने चाहिए, जो फास्ट ट्रैक पे लाकर इमीडिएट ऐसे क्रिमिनल्स को जो क्राइम ऐसे करते हैं उन्हें सजा होनी चाहिए। ये हो गई हमारी पार्लियामेंटेरियन और नियम कायदे के अनुसार जो मैं बात करूंगी वो पार्लियामेंट में आने के बाद मैं उस पर जरूर आवाज उठाऊंगी। पर मेरी चीज, मेरा दुखना एज ए मदर, एज ए फीमेल, एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यह हमेशा से ही है और आगे भी रहेगा कि हमारी बच्चियों को खुद से सिक्योर होना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी के साथ विदाउट एनी मैरिज आप रहते हैं, ये मेरी संस्कृति नहीं है, ये मैं अडॉप्ट नहीं कर सकती। लॉ जो सिखाता है वो अलग चीजें हैं, लॉ बोलता है उसे मानते हैं हम, पर मुझे एज ए पर्सनली, एज ए मदर और एज ए डॉटर किसी की, एज ए वाइफ, मैं आपको इतना जरूर बता सकती हूँ ये मेरी संस्कृति नहीं है जिसे मैं मेरी लड़कियों के बीच में या कॉलेजेस में जाने के बाद या लड़कियों के कोई मेड़ावे लेने के बाद मैं उन्हें इस लाइन पे जरूर गाइड करती हूँ। लॉ के लिए हम आपके साथ हैं कि लॉ को मजबूत होना चाहिए, फास्ट ट्रैक करनी चाहिए। 7 साल निर्भया केस के जैसा, 7 साल उनके पेरेंट्स के चप्पल घस गए थे, उतना देर नहीं लगना चाहिए। उनकी बेटी या हमारी बेटी, इस देश की कोई भी बेटी हो, उसे इंसाफ मिलना बहुत जरूरी है। ये हमारी सबकी दिल से इच्छा है, पर इस बार जब पार्लियामेंट होगा तो 100% अंजना जी आपको एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एज ए फीमेल, आपको मेरी आवाज इस विषय को लेकर बहुत ताकत से, बहुत मजबूती से पार्लियामेंट में दिखेगी। और जब जब हमारी बच्चियों को हमारी जरूरत पड़ेगी हम एज ए फीमेल उनके साथ रहेंगे। पर मेरी बच्चियों से एक रिक्वेस्ट जरूर रहेगी कि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है, हमने भी उसके अनुसार आगे चलना चाहिए और ऐसे दोषियों को सजा आवश्यक मिलनी चाहिए, फास्ट ट्रैक के माध्यम से मिलनी चाहिए। ठीक है।